नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज़ में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में संजीत कुमार ने जीता गोल्ड, अमित पंघाल शिवा थापा फाइनल में हारे। बताएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में पूरी डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। भारतीय मुक्केबाजों में सिर्फ संजीत कुमार ने 91 किलो वर्ग ग्राम में एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। संजीत ने ओलंपिक पदक विजेता कजाकिस्तान के वेस्ली लेविट को हरा दिया, जबकि गत चैंपियन अमित पंघाल शिवा थापा को करीबी मुकाबले में हार के साथ रजक पदक के साथ ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें, संजीत कुमार ने लेविट को 4-1 से मात दी, जो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं। भारत ने संख्या के मामले में इस टूर्नामेंट में 15 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टीम ने इससे पहले 2019 में 2 स्वर्ण सहित 13 पदक हासिल किए थे। संजीत कुमार के गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्रो स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। विजेंदर ने कहा कि जिन हालात में हमारे मुक्केबाज ने विदेश में जाकर देश का नाम बढ़ाया है, वह काबिलियत तारीफ है। तो दोस्तों अब प्रो बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी संजीत कुमार की तारीफ करी और उन्होंने उन सभी बॉक्सर मुक्केबाजों की तारीफ करी जिन्होंने मेडल जीते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।